हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक बालक घायल हो गया। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में लखनऊ रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। वहीं एसपी अमित कुमार का कहना है कि मामले में पुलिस फिलहाल अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, परिजनों से तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत राहुला के मजरा गनीपुर निवासी ओम प्रकाश पुत्र गयालाल की बेटी की पड़ोस के ही गांव छिबरा मऊ से मंगनी आई थी, जिसमें ओम प्रकाश के घर में ही खुशियां मनाई जा रही थी। परिवार के सारे सदस्य इस खुशी में शामिल थे। परिवार के ही सदस्य राम गुड्डू का एक 13 साल का पुत्र विजय घर के आंगन में खुशियां मना रहा था और खुशियों को छत से अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था। इसी बीच कार्यक्रम में अचानक हर्ष फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली विजय के सर पर जा लगी और गोली लगते ही वो नीचे आ गिरा। ये देखते ही देखते घर में खुशियों की जगह मातम फैल गया। फौरन एम्बुलेंस को बुला लिया गया और विजय को मिलग्राम के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से विजय को हरदोई के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है। वहीं एसपी अमित कुमार का कहना है कि मामले में पुलिस फिलहाल अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और परिजनों से तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। विजय नाम व्यक्ति आया था, शायद 13 साल उम्र थी लगभग, और पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने बताया गोली लगी है, मगर उसे खून देखने नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, और फायर आर्म इंजरी है, क्या है ये बता नहीं सकते हैं। जो 6:20 पे आया था कल शाम को, वो शायद मैंने रेफर किया था जिला अस्पताल हरदोई के लिए, वहाँ से लखनऊ रेफर हो गया। बिलग्राम थाना क्षेत्र के गनीपुर ग्राम में एक प्राइवेट समारोह था, जिसमें लड़की की सगाई का समारोह था, जिसमें दो परिवार ही इकट्ठा हुए थे। उस परिवार में समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें बगल में एक बच्चा जो है जो छत से पे खड़ा था, 14 साल का विजय नाम का बच्चा, उसको सर में गोली लग गई। अभी फिलहाल परिवार वाले उसको लेके लखनऊ गए हैं, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। परिवार वालों के साथ पुलिस फोर्स लखनऊ भी गई है, जहाँ उनसे सूचना प्राप्त और लिखित सूचना लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अभी तक लिखित सूचना दी है, उन्होंने बोला हम इलाज करा रहे हैं, इलाज कराने के बाद जो कोई बात होती है हम लिखित आकर सूचना देंगे। फिलहाल उनकी जो मौके की सूचना पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है, और अब जो इसमें परिवार जो दोषी परिवार है उनके लोगों की तलाश की जा रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसने इसमें फायरिंग की थी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।